आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज मैं आपको बाजरे की रोटी बनानी बताती हूँ। बाजरे की रोटी बहुत फायदेमंद होती है। पहले हम गैस जला के मंडी आज के आटा देते हैं। इतने हम आटा करेंगे, इतने हमारा तवा गर्म हो जाएगा। ठीक है, अब आटे में हम पानी डाल देते हैं और अब आराम से इसको सेट कर देते हैं। ये बहुत गर्म होता है, फायदेमंद भी होता है शरीर के लिए, सेहत के लिए, लेकिन बहुतों को बहुत पसंद आता है। ये मिलता भी नहीं है जल्दी से। अब ये मेरा आटा तैयार हो गया है। अब मैं आपको रोटी बनानी थोड़ा सा कर लो और इस तरह से धीरे 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 इस तरह से करके आप पतली से पतली रोटी भी आप बना सकते हैं। थोड़ा सा पानी का हाथ लगाए हल्का सा और आराम आराम से इसको ऐसे बनाते रहे। हमारा ये बनानी नहीं आती है जल्दी से, किसी को बनती नहीं है। ये गुड़ और घी के साथ बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो इसको सभी चीज के साथ खा लेते हैं। अब इसको हम धीरे से पलट देते हैं। इतना हम दूसरी रोटी वो भी ऐसे ही हाथ से धीरे धीरे पानी का हाथ लगा के बनाएंगे। इसमें आप जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दबाजी करेंगे तो ये टूट जाएगी। अब हम इसको देखते हैं, ये हमारी रोटी नीचे से तैयार हो गई है। अब हम धीरे से इसको भी तवे पर डाल देते हैं, इसका सेक लेते हैं। ऐसे खड़ी करके ही रोटी सेकना। क्योंकि खड़ी करके रोटी सेकने में बीच से पूरी सिक जाती है, वरना किनारे जल जाते हैं। अब हम इसको पलट कर दूसरी तरफ से भी सेकते हैं। बहुत अच्छी रोटी तैयार। देखो कितनी अच्छी रोटी तैयार। इसे आप कोई से भी सब्जी से खा सकते हैं। ये गर्मी में नहीं खाया जाता, क्योंकि ये गर्म होता है ना, तो इसलिए ये गर्मी में नहीं खाया जाता। ये देखो अब इस पर हम घी लगा देते हैं। ये हो गई रोटी तैयार। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर करें। थैंक यू।